तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ एक ऐसा यूज़फुल आइडिया जिससे कि आप सिलाई से बचे हुए वेस्ट कपड़ों का इस्तेमाल करके बहुत ही प्यारी प्यारी सी चीज़ें घर में बना के तैयार कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे पास ना ही सिलाई से बचे हुए कपड़े बहुत सारे रखे हुए थे, तो आज मैं इनका इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो अगर आपके पास भी पुराने कपड़े, वेस्ट कतरने रखी हुई हैं, तो आप भी उनका इस तरह से ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। तो चलिए डिले न करते हुए शुरू करते हैं आज का प्यारा सा वीडियो। तो आज हम बनाएंगे स्क्रीन पर दिख रहे गद्दा या मैट्रेस, ऐसा आप इसको फ्लोर सोफा भी यूज कर सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए ये ली है मैंने पुरानी बेडशीट, तो आप इसकी जगह कोई भी फैब्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जितनी भी साइज का हमें गद्दा बनाना है बस उसी के अकॉर्डिंग हमें पीस कट करना है। तो ये पीस मैंने कट कर लिया है, तो इसको हम इस तरह से खोल लेंगे अभी। तो अभी हमें इसकी विड्थ मापनी है, तो इस तरह से हमने इसको रख लिया है और इंच टेप को हम इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से। और इसकी जो टोटल विड्थ है वो हम लेंगे 46 इंच। अभी हमें इसकी लेंथ मापनी है, तो इस तरह से इसको रख लेंगे और इंच टेप को इसके ऊपर रख लेंगे इस तरह से। और इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 56 इंच। इसमें हम 2 इंच और एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। तो अभी हमें इसको इस तरह से फोल्ड करके रखना है, सीधी साइड हम अंदर की साइड रखेंगे। तो फोल्ड करके इस तरह से हमने पीस को रख लिया है, तो ये हमारी सीधी साइड है अंदर की साइड, और उल्टी साइड हमने बाहर की साइड रखी हुई है। तो अभी हमें दोनों साइड जो खुली वाली साइड है इसमें हमें सीधी सीधी सिलाई लगानी है, यहां तक हम सीधी सीधी सिलाई लगाएंगे और इस साइड भी हमें खुली वाली साइड सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों साइड हम सिलाई लगा के इसको रेडी करेंगे। तो आप देख सकते हैं दोनों साइड हमने सिलाई लगा ली है, इस साइड भी और इधर वाली साइड भी सीधे सीधे हमने सिलाई लगा ली है। और ये हमारी ओपन वाली साइड है, बस यहीं से हम इसको सीधा कर लेंगे। तो इस पीस को हमने सीधा करके इस तरह से रख लिया है। तो अभी हमें इसकी मार्किंग करनी है, तो इंच टेप को हम पीस के ऊपर रखेंगे और 18 इंच पे निशान लगाएंगे। तो इस तरह से हमने 18 इंच पे निशान लगा लिया है। फिर से हमें 18 इंच पे निशान लगाना है। तो 18 इंच पे हमने निशान लगा लिया है। अभी ऊपर से लेंगे हम 9 इंच। तो इस तरह से हमने ये दोनों ही निशान लगा लिए हैं। अभी हमें इन निशानों में सीधे सीधे लाइन ड्रॉ करनी है। तो इस तरह से हम दोनों निशानों पे सीधे सीधे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये लिया है हमने स्केल और इसकी मदद से हम लाइन ड्रॉ करेंगे। तो बस इस तरह से सीधे सीधे हमने निशानों पे लाइन ड्रॉ कर ली है और इस तरह से हमारे ये 3 बॉक्सेस बनके तैयार हो गए हैं। तो अच्छे से मैं आपको इस पीस को दिखा देती हूँ। इस तरह से हमने लाइनें ड्रॉ की हैं, अब इन लाइनों पे हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हम सीधे सीधे इन पे सिलाई लगा के इसको तैयार करेंगे। Thank you.
तो सिलाई लगा के हमने इसको तैयार कर लिया है। तो इस तरह के ये बॉक्सेस हमारे बनके तैयार हो गए हैं। टोटल हमारे 3 बॉक्सेस हमने बना के रेडी किए हैं। तो अभी हमें इनको फिल करना है। तो अगर आपके पास पुरानी कॉटन है या फिर फोम वगैरह है तो आप वो भी फिल कर सकते हैं, या फिर आपके पास जैसे पुराने पिलो होते हैं उनकी कॉटन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे पास सिलाई से बचे हुए जो कपड़े रखे हुए थे मैं उनको इसमें फिल करूंगी। आप ऐसे भी इनको फिल कर सकते हैं या फिर आप इनको छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके भी फिल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इनको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। तो इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में हमने इनको कट कर लिया है। तो आप सिलाई से बचे हुए जो कपड़े होते हैं उनको इस तरह से टुकड़ों में कट करके भी फिल कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास पुराने पिलोज वगैरह होते हैं तो आप उनकी कॉटन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर पुराने कपड़े भी आप इसमें फिल कर सकते हैं। तो तीनों बॉक्सेस को हम फिल कर लेंगे। तो तीनों ही बॉक्सेस को हमने फिल कर लिया है, अच्छे से दबा दबा के हमने इसको फिल किया है। तो अभी आप देख रहे हैं ये ओपन साइड है, इसमें भी हम सिलाई लगा के इसको फिनिश करेंगे। तो सुई और धागे की मदद से आप इसको फिल कर सकते हैं या फिर आप इसमें सिलाई भी लगा सकते हैं। तो ये हमने लिए सुई और धागा, इसकी मदद से हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो अंदर की साइड फोल्ड करते हुए हम इसको पूरा फिनिश कर लेंगे सिलाई लगा के। तो आप देख सकते हैं सिलाई लगा के हमने इसको फिनिश कर लिया है। तो आप देख सकते हैं हमारा जो गद्दा है वो बनके एकदम तैयार हो गया है, और कितनी फिनिशिंग के साथ हमने इसको बना के तैयार किया है। तो इस तरह से आप घर में गद्दा बना के तैयार कर सकते हैं, और जितनी भी साइज का आपको गद्दा बनाना है बस उसी के अकॉर्डिंग आप पीस कट कर लीजिएगा। तो इस तरह से हमने ये 3 बॉक्सेस बना के रेडी किए हैं। आप इससे ज्यादा भी बना सकते हैं। अगर आप इसमें कॉटन फिल करेंगे तो ये और भी मजबूत और लुकिंग वाइज भी अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप घर में ही गद्दा बना के तैयार कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं 0 बजट में हमारा गद्दा बनके तैयार हो गया है। तो आप भी इसको घर में जरूर ट्राई कीजिएगा, इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। तो इस तरह से ऐसा आप इसको गद्दा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप इसको इस तरह से ना फोल्ड कर दोगे तो आप ऐसा इसको फ्लोर सोफा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वेस्ट कपड़ों को इस्तेमाल करने का ये वाला आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे इसी तरह की इंटरेस्टिंग सी वीडियोस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।